जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। डीआरडीओ का अभी एग्जाम चल रहा है और लगातार एग्जाम चल रहा है और आगे भी चलेगा। अभी तो डीआरडीओ का एग्जाम में सबको पता है कि 120 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जिसमें कि 80 क्वेश्चन टेक्निकल से और 40 क्वेश्चन नॉन टेक सेक्शन से। ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि एक तो एग्जाम रिव्यू करना चाह रहे थे जिससे कि और भी स्टूडेंट जो आगे चल करके इस बार एग्जाम नहीं दे रहे होंगे लेकिन आगे चल करके डीआरडीओ को एग्जाम देना चाहते हैं या इससे रिलेटेड और भी जो टेक्निकल एग्जाम्स हैं, जैसे कि अगर आप यूपीपीसीएल, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का वैकेंसी कभी भी आपका आ सकता है। कल ही इंजीनियर आशीष सर एक लेटर हमको दिखा रहे थे और उस लेटर में पूरा मेंशन किया हुआ था कि वैकेंसी के बारे में दिशा निर्देश दिया गया है। तो उम्मीद आप कर सकते हैं कि मार्च तक मैक्सिमम संभावना रहेगी कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग की वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन इस वीडियो के बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि एग्जाम रिव्यू के साथ में अपकमिंग जो भी वैकेंसी हो, अगर सर अच्छे से अगर आपको गाइड कर देते हैं तो हम मानते हैं कि टेक्निकल ट्रेड में तो आपको परेशानी नहीं होनी है। और अभी चूंकि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ में कुछ बच्चे भी हैं जो कि अभी जस्ट एग्जाम दे करके सेंटर से आ ही रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये भी अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करें कि इंजीनियर आशीष सर जो पढ़ाए इलेक्ट्रिशियन पेपर, तो उससे कैसे आपको फायदा मिला और लगभग कितने दिन के क्लास में कितना क्वेश्चन आपसे पढ़ाए हुए सर के नोट से आए, जो टेस्ट लिए उससे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए, या सर का पढ़ाने का क्या तरीका है और इस तरीके से क्या भविष्य में भी हमको फायदा हो सकता है। तो हर छोटी छोटी बातों पर हम चाहते हैं कि ये स्टूडेंट अपना रिव्यू दें जिससे कि अगर हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका छोटा सा कमेंट भी हमारे लिए बिल्कुल जड़ी बूटी का काम करेगा और हमको बहुत आगे बढ़ाने के लिए मददगार साबित होगा, हमारे उत्साह को बढ़ाएगा। इसलिए अगर कुछ हम बेहतर करते हैं तो इन स्टूडेंट का रिव्यू हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम चाहते हैं कि पहले सर चंद शब्द बोले और उसके बाद स्टूडेंट को मौका दे एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछा गया और किस तरीके से फायदा हुआ। और सर थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इसमें जो पिछला कट ऑफ रहा है तो उस कट ऑफ के बारे में बता दें और इस बार जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके आधार पर एक संभावित कट ऑफ क्या हो सकता है, इस पर भी संक्षिप्त में चर्चा करें सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से डीआरडीओ के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की एग्जामिनेशन 6 और 7 जनवरी को हुई है साथियों। और जहां तक बात है पिछले कट ऑफ की, तो पिछला कट ऑफ हमारा जो है ओबीसी के लिए वो अप्रॉक्सीमेटली 85-87 के आसपास था, ठीक है। और जो हमारे जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उसका 90 के अप्रॉक्स गया था। तो ऑलमोस्ट हम इसी रेंज में अगर मानकर चलें तो जिन भी छात्रों का 90-100 के बीच ओबीसी में है तो मेरा पूरा विश्वास है कि वो बच्चे निश्चित रूप से आपको स्किल टेस्ट के लिए योग्य होंगे, क्योंकि इसके बाद आपका मेरिट तो इसी से बनना है। स्किल टेस्ट के माध्यम से सिर्फ वो क्वालिफाइंग है, अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग पक्की हो जाती है, ठीक है। और जहाँ तक बात है तो हम सबसे पहले आज समय न गंवाते हुए हमारे साथ हमारे सभी छात्र मौजूद हैं और कुछ छात्र जो हमसे मिलने के लिए आज आए हैं मैं उनसे बात करना चाहूँगा। वो सीधे सेंटर से ही हमारे पास पहुँचे हैं, उनकी एग्जामिनेशन काफ़ी बेहतर गई है और उनके चेहरे की मुस्कुराहट ही इस बात को बता रही है। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं। दीपक जी आपका हमारे साथ, दीपक जी हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र हैं, कैसा आपका एग्जाम रहा और अपना अनुभव आप शेयर करें। बहुत बढ़िया एग्जाम रहा सर, आपका सारा सेट सही क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन 70+ मैंने किया है, सही सही मिलाएं तो 70+ सही रहा था मेरा क्वेश्चन। अच्छा जी, मतलब ट्रेड में 70+। जी ट्रेड में 70+ सही है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। चलिए सुदर्शन जी। जी सर, मेरा सर ट्रेड जो पढ़ा हुआ नहीं था सर, फिर भी जो आप 7-8 चैप्टर जो पढ़ाए थे उसमें लमसम हम 60+ करके आए हैं सर, और पहले से भी कुछ थोड़ा सा जानते थे उसके आधार पे भी सही किए हैं। और ट्रेड का जो भी क्वेश्चन था ज़्यादा मैंने भारी नहीं था, इजी था। जैसे मैं एमसीबी का फुल फॉर्म पूछ रहा था और उससे मैंने बच्चों को मैंने ज़्यादा मैंने मेहनत नहीं करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा था जो आप बता सकते हैं। चलिए हमारे साथ रंजीत जी, आपका कैसा रहा है एग्ज़ाम और क्या सब चीज़ें रहा है सर एग्ज़ाम? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहता है सर, नॉर्मल बेसिक से पूछा जाता है सर, बहुत अच्छा रहा है। ट्रेड में मेरा 72 रहा है। अच्छा 72 आपने सही किया, 72 सही रहा।
अच्छा, आपको जो हमारी टेस्ट और क्लासेस हैं उससे कितनी मदद मिली है? बहुत मदद मिले हैं सर, जी जान लगा करके आप भी मेहनत किए हैं और हम भी मेहनत किए हैं, उससे बहुत आपके टेस्ट से क्वेश्चन लड़ा हुआ है सर हूबहू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नितेश जी। यस सर, सबसे पहले आपको मैं शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल में आपके ही जो सिखाया, जिस तरह से आपने हमको आपने हम लोगों को मोटिवेट किया, और हाल फिलहाल में अपने दोस्तों के साथ भी मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि अर्जेंट में सर काफ़ी कम समय रहते हुए भी 20 DRDO का, स्पेशल DRDO का 20 सेट चालू किए थे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा आज सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, मैं एग्ज़ाम दे करके बाहर सेंटर पर पहुँचा हूँ, तो आज के डेट में जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो उसमें 37 प्लस क्वेश्चन, यानी कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन जो थे, ये मात्र 19 जो सेट हम लोग DRDO का दिए थे सर का, उन उसमें से हूबहू जो क्वेश्चन सर सेट में टाइप करवा करके हम लोग उसे मतलब कि वहाँ पे टेस्ट लिए थे, सेम टू सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा एक दो वर्ड इधर उधर हो था, लेकिन हूबहू जो क्वेश्चन था वो हमारे स्क्रीन पर था, हमने उसको सॉल्व किया। और इस तरह से लगभग 70 प्लस क्वेश्चन हमने भी सॉल्व किया है इसमें आज के डेट में एग्जामिनेशन में, और ये सबका श्रेय, हम लोग कुछ नहीं थे, ये सबका श्रेय हमारे आशीष सर को जाता है, आशीष सर के मार्फत से हम लोग आज यहाँ पे हैं और अच्छा करके एग्जामिनेशन सेंटर से लौटते हैं। सो हम चाहते हैं कि आप लोग भी यहाँ जो भी हमारी टेस्ट सीरीज आशीष सर के मार्फत से चलती है, आप लोग जुड़ें और हम लोग जैसा परफॉर्मेंस करके अभी एग्जाम से लौटे हुए हैं, नेक्स्ट एग्जाम आने तक आप लोग भी वैसा परफॉर्मेंस करके लौटें, और आप लोग भी परफॉर्मेंस करेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों को लगेगा कि हाँ भाई सही बात है या गलत है। विशेष थैंक यू सर। दीपक जी, हम ये भी जानना चाहते हैं, हमारी जो रुक्मिणी पब्लिकेशन की बुक है उस बुक ने आपको कितनी मदद पहुँचाने का काम किया? बहुत मदद पहुँचाने का काम किया है सर मेरा, कम से कम आप जो 20 सेट मरवाए थे ना, उस सारा क्वेश्चन था उस बुक में, उस बुक में था क्वेश्चन, मैं वहाँ स्क्रीन पर देखा तो देखा कि सारा क्वेश्चन बुक से ही है, बुक से ही था, इस चलते मैं 70 प्लस किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम एक बात ये कहना चाहेंगे कि आप लोग निश्चित रूप से अपनी तैयारी तो करें ही जम करके, और हमसे जो मदद होती है मैं आपके बीच हमेशा खड़ा हूँ, और एवरीडे मंडे टू फ्राइडे रात 8 से 9 हम आपके साथ लाइव होते हैं, और जिसमें हम अभी DRDO के लिए सेशन चला रहे थे और अब हम कंटिन्यू LP के लिए सेशन आपके बीच लेकर आते रहेंगे, ठीक है। और जो मेरे दूसरे साथी, बहुत सारे विद्यार्थी जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो निश्चित रूप से YouTube के माध्यम से इस चैनल पर कमेंट करें, उन्हें ये क्लासेस और उनको हमारी पढ़ाई के माध्यम से जो हेल्प मिली है कृपया ज़रूर वो कमेंट करके हमें बताएं। आपके ये कमेंट और आपका ये रिजल्ट हमारे उत्साह को बढ़ाता है और निसंदेह आपके जीवन को तो बदलने का काम करता ही है, ठीक है। सर, जो भी टेस्ट ले रहे हैं आशीष सर, और इनका जो भी किताब है वो बहुत ही अच्छा है, उसमें हर चीज़ का मैंने डिस्क्राइब बहुत अच्छा से मैंने विस्तार से किए हैं, और आप लोग भी उसको, उस किताब को, रुक्मिणी पब्लिकेशन जो भी है, इलेक्ट्रिकल ग्रुप जो आशीष सर अति लिखे हैं, और वो बहुत ही मैंने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रहा, और टेस्ट जो है, टेस्ट जो सर हम लोग के 19 को टेस्ट लिए DRDO का, उसमें बहुत सारा मैंने प्रश्न लड़ा भी है और बहुत इजी प्रश्न था, और सर 8 से 9 में भी जो प्रश्न करवाते हैं उससे संबंधित भी प्रश्न बहुत सारा आया था। ये चलते आप लोग भी टेस्ट जो सर दिवाते हैं उसका ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी टेस्ट चालू है उसको आप लोग अति करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साथियों, तो हम लोग एक बात और है, सेंटर पे कुछ मेरे दोस्त जो थे वो लोग पूछ रहे थे कि आप लोग तैयारी कैसे करते हैं, फिर किस बुक्स का मतलब कि यूज करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आशीष सर, इन इंजीनियर आशीष सर इनका पूरा नाम हुआ, और इन्हीं के द्वारा रुक्मिणी पब्लिकेशन से 2 पुस्तकें जो है प्रकाशित की गई हैं, Volume 1 और Volume 2। तो इसी बुक से भी हम लोग तैयारी करते हैं, और इसी बुक का भी अध्ययन हम लोगों को सर करवाते भी हैं, और इसी बुक से टेस्ट होता है। मैं चाहता हूं कि मेरे अनुभव के या हमारे मतलब कि जो भी दोस्त हैं यहां पे मौजूद हैं, इनके अनुभव का फ़ायदा आप लोग भी उठाएं, और इस बुक को एक बार आप लोग ले करके पढ़ें। हमको नहीं लगता है कि इस बुक को पढ़ने के बाद में आपको इंडिया लेवल पर कोई भी इलेक्ट्रिकल वैकेंसी आए तो उसमें अगर आप इस बुक का मतलब बुक को अच्छी तरह से पढ़े हैं तो 110% रिजल्ट होगी। इसी के साथ मैं आशीष सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।
निश्चित रूप से साथियों, आप सभी को उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ एक और बात बताते हुए कि डीआरडीओ के जितने भी डाटाबेस हमारे पास आए हैं और आप सभी छात्रों के माध्यम से प्रश्न हम तक पहुंच रहे हैं, उन सभी प्रश्न का एक एक करके डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट डे आपके बीच उपस्थित होऊंगा और यूट्यूब के माध्यम से ही हम सारे पूछे गए प्रश्नों को आपके बीच एक्सप्लेन करेंगे और ये भी बताएंगे कि ये प्रश्न हमारे किस टेस्ट में थे और किस हमारे बुक के किस चैप्टर के कौन से क्वेश्चन नंबर हैं। ये पूरी विस्तृत विवरण के साथ हम आपके बीच उपस्थित होंगे और ऐसा इसीलिए करेंगे ताकि हमारे आगामी परीक्षा के लिए जो छात्र सोच रहे हैं उन नए छात्रों को एक आधार मिले और उस आधार के माध्यम से वो निश्चित सफलता प्राप्त करें। और साथ ही आप सभी लोगों के स्किल टेस्ट के लिए हम आपके साथ खड़े हैं और आपको डीआरडीओ में पहुंचाना जो मेरा लक्ष्य है उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू सर।